इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को केरल में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम के पन्नियान रविंदर और वायनाड से एनजी राजा को मैदान में उतारा है। वीएस सुनील कुमार त्रिशूर से और अरुण कुमार मवेलीकर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, फिर भी उसने केरल में उन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां से कांग्रेस के 2 बड़े नेता वर्तमान में सांसद हैं। कांग्रेस के शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से हैं और राहुल गांधी वायनाड से हैं। अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं तो उन्हें सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनजी राजा से चुनौती मिलेगी और शशि थरूर को सीपीआई के पन्नियान रविंदर से। सीपीआई के राज्य सचिव विनोय विष्णम से तिरुवनंतपुरम में राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की। वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे में सत्तारूढ़ सीपीआई की सहयोगी पार्टी सीपीआई 20 लोकसभा सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई ने 2019 में लोकसभा चुनाव में से केरल में 4 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 2019 में केरल को 15 सीटें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली थी। सीपीआई, केसी और आरएसपी ने 1-1 सीटें जीती थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट का 2009 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। त्रिशूर से भाजपा का सेलिब्रिटी फेस सुरेश गोपी चुनाव लड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को हराकर 4.31 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी। हाल ही में सीपीआई ने राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें हिंदी पट्टी में बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए। सीपीआई चाहती थी कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ दे और उत्तर भारत में किसी सीट से चुनाव लड़े। बता दें कि कांग्रेस और सीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, लेकिन पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि राहुल एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के वायनाड में चुनाव लड़ने की वजह से ही पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ को 2019 में 20 में से 19 लोकसभा सीटें जीतने में मदद मिली थी। यूडीएफ में वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस जैकब, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और कई अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं।